सालासर प्लाजा स्थित आदित्य इंटरप्राइजेस पर एक्साइट बैटरी का एनवी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आदित्य इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर मयंक भतादा ने बताया कि इन्वर्टर बैटरी के ग्राहकों को बेहतरीन सेवाओं के क्रम में बैट मोबाइल सर्विस प्रारंभ की गई है, जिससे ग्राहक एक फोन कॉल पर अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। भतादा ने बताया कि टोल फ्री नंबर 7044000000 जारी किया गया है, जिस पर ग्राहक फोन करके तुरंत सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्चिंग के अवसर पर एक्साइट कंपनी के सेल्स हेड पवन खंडेलवाल तथा सर्विस इंजीनियर राहुल और मौजूद थे। से भिलवाड़ा के लिए एनवी प्रोजेक्ट चालू किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी भी कस्टमर के इन्वर्टर बैटरी में कभी भी कोई कॉल आती है और वो हमारे टोल फ्री नंबर पे या स्पेशली बैट मोबाइल नंबर जो कंपनी ने अलॉट किया है उस पर अगर अपनी कंप्लेन लॉन्च करवाता है, तो हमारा जो टेक्नीशियन है वो कस्टमर के घर पे जाएगा, उनकी बैटरी को चेक करेगा। अगर किसी भी कारण में बैटरी में कोई प्रॉब्लम है तो बैटरी को हमारे ऑफिस लाया जाएगा, उसको चेक करके अगर रिप्लेसमेंट होती है तो वापस अगले 12 घंटे के अंदर उसको रिप्लेस करके नई बैटरी लगा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर उसको सर्विस बैटरी लगा के उसका काम को चालू कर दिया जाएगा। उसको आगे नियर फ्यूचर में भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। हम लोग एक्साइट की टीम की तरफ से, आदित्य टीम की तरफ से हमारे कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने के लिए हमेशा कमिटेड रहे हैं और कमिटेड रहेंगे। आजाद नगर में रविवार को युवाओं द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडित अरविंद दादीश ने कहा कि पौधे लगाकर पल्लवित करना ईश्वर की पूजा के समान है। हरियाली बढ़ाने के लिए युवाओं को पौधे लगाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। दादीश ने आगे बताया कि पौधारोपण की शुरुआत हैप्पी डेज स्कूल के सामने स्थित उनके ज्योतिष कार्यालय से की गई। इस अवसर पर पार्षद नरेश जाट, सुरेश गुजर, राहुल त्रिवेदी, पीयूष दादीश, विजेंद्र शर्मा, किशन शर्मा, सद्दाम, योगेश शर्मा आदि उपस्थित थे। वी क्लब गौरव का अवार्ड सेरेमनी जोधपुर में संपन्न हुआ, जिसमें भिलवाड़ा गौरव को 13 अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट क्लब अवार्ड प्रेसिडेंट सोनाक्षी शर्मा को दिया गया। शर्मा को 7 अवार्ड दिए गए। महिला सशक्तिकरण पर ममता शर्मा एवं फूड फॉर हंगर पर नीलू वाघरानी, चिल्ड्रन वेलफेयर संतोष ओझा, शिक्षा पर सीमा शर्मा को अवार्ड से सम्मानित किया गया। वी क्लब गौरव के सभी सदस्यों ने सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। डोवनी देवनारायण भगवान की बनी में पेड़ पौधे लगाने का कार्य किया गया, जिसमें आम, आमली, शीशम, बरगद, पीपल आदि पेड़ लगाए गए। लगभग 200 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर स्थानीय निवासी नारायण गुजर, गोपाल गुजर, विष्णु शर्मा, सत्यनारायण वैष्णव, शंकर गुजर आदि मौजूद रहे और इस कार्य को सफल बनाने में ग्राम की महिलाओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के अधीन स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान के द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। संस्थान सचिव राधेश्याम जाट ने बताया कि संस्थान द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के प्रथम दिवस स्वच्छता शपथ ली गई, साथ ही प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया गया। संस्थान अध्यक्ष शुभम ओझा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि स्वच्छता से अपने घर ही नहीं अपितु पूरे गांव को सुंदर बनाया जा सकता है, इस हेतु सभी को आगे आना होगा। कार्यक्रम में संस्थान की सांस्कृतिक सचिव नीरू ओझा, पूजा ओझा, सूरज वैष्णव, विकास ओझा, अंजलि जोशी, सपना वैष्णव आदि उपस्थित रहे। वन विभाग द्वारा औषधीय पौधों का घर घर वितरण प्रत्येक परिवार को स्वस्थ बनाएगा। उक्त विचार रायपुर पंचायत समिति के प्रधान शिवराज सिंह चरण ने वन महोत्सव के तहत औषधीय पौधों के वितरण में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल परिसर में भारत विकास परिषद वन विभाग नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में छायादार फलदार औषधीय पौधों के रोपण के अवसर पर मुख्य अतिथि पद से उपस्थित पर्यावरण प्रेमियों व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के समक्ष व्यक्त किए। कार्यक्रम के अध्यक्ष रायपुर ग्राम पंचायत सरपंच इंजीनियर रामेश्वर लाल छिपा ने कहा कि औषधीय पौधे आज की आवश्यकता है, हमें घर में औषधीय पौधे तैयार कर स्वस्थ रहना है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष देवीलाल शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला सचिव तेज बहादुर सिंह चारण, अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रभुदयाल योगी, तहसीलदार शेषमल सुवालका आदि थे। वन महोत्सव शुभारंभ अवसर पर भारत विकास परिषद के सचिव रमेश चंद्र वैष्णव ने कहा कि वन विभाग पिछले कई वर्षों से वन महोत्सव मनाता आ रहा है, अब तक के समस्त पौधे जीवित हैं, आज उन्हें देखकर सबको गर्व होता है। समस्त अतिथियों ने वन विकसित करने व औषधीय गार्डन लगाने के प्रति विचार व्यक्त किए। इस दौरान स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 51 छायादार व फलदार पौधों का रोपण किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के राधेश्याम वैष्णव ने मॉडल स्कूल परिसर में हर्बल गार्डन विकसित करने की जिम्मेदारी ली। पौधारोपण के तुरंत बाद औषधीय पौधों के घर घर वितरण अभियान के शुभारंभ अवसर पर पौधा वाहन को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के संरक्षक सुभाष चंवर, दिनेश चंवर, इको क्लब प्रभारी लक्ष्मण जाट, पर्यावरण प्रभारी गिरधारी लाल कुमावत, प्राध्यापक सुरेंद्र वैष्णव, आलोक दादीच, वन विभाग के वन नाका प्रभारी
कालूदास वैष्णव, वनपाल ब्रजमोहन शर्मा आदि उपस्थित थे। समारोह के अंत में प्राध्यापक सुरेंद्र वैष्णव ने नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रारंभ किए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के प्रथम दिन उपस्थित समस्त पर्यावरण प्रेमियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।